हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी अपनी सोलमेट शबाना और हम अक्टूबर 2022 की जनरल प्रेडिक्शंस करने जा रहे हैं टैरो कार्ड से। तो आज हम देखेंगे कि अक्टूबर मंथ हमारी 12 राशियों के लिए लव लाइफ, फाइनेंसेस, करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ और इच्छा पूर्ति यानी कि विश फुलफिलमेंट के लिए कैसा रहेगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। तो हम आज की रीडिंग में यही देखने वाले हैं। आप अपनी कौन सी राशि से अपना प्रेडिक्शन देखेंगे उसके लिए हम आपको बता दें कि आप अपना लग्न कुंडली के लॉज के अकॉर्डिंगली चंद्र राशि, नाम राशि, वेस्टर्न जोडियक साइन जैसे भी चाहिए आप अपना ये राशिफल देख सकते हैं। मैं तो आपको यही राय दूंगी कि जिस भी राशि से आप कंपैटिबल हैं यानी कि रेजोनेट करते हैं, हर बार आप उसी राशि से अपना राशिफल देखते हैं उसी राशि से आप देखिए। ये क्योंकि जनरल रीडिंग है, कई बार 100% रेजोनेट होती है, कई बार सबके सिचुएशंस अलग अलग होती हैं, किसी के साथ कुछ कम परसेंटेज से रेजोनेशन होता है। तो आप जिस तरह से भी जिस राशि से रेजोनेट करते हैं उससे आप अपना अक्टूबर 2022 देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अक्टूबर 2022 हमारी 12 राशियों के लिए कैसे रहने वाला है। इससे पहले कि हम अपना वीडियो शुरू करें, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिए जिससे कि मेरे सारे वीडियोस आपके पास समय पे पहुंच सकें और आप उनका लुत्फ ले सकें, एंजॉय कर सकें और उनसे जो है क्या डिसीजन लेने हैं इम्पोर्टेंट उस वक्त जबके लिए ये टैरो कार्ड रीडिंग की जा रही है तो वो आपके लिए फायदेमंद होगा। टैरो रीडिंग के अलावा मैं स्विच वर्ड्स, क्रिस्टल्स, न्यूमरोलॉजी, सिजिल, मोक्षपतम और भी बहुत सारी मोडालिटीज पे काम करती हूँ। अगर आप चाहते हैं तो आप उनको भी, उनकी सर्विसेज भी आप ले सकते हैं। अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9818130040। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारी जनरल प्रेडिक्शन अक्टूबर 2022 के लिए। थैंक यू। लिब्रा तुला राशि के लिए देखते हैं कमिंग मंथ क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है। लिब्रा तुला राशि के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं, चलिए चलिए देखते हैं। कार्ड हमें बताइए, हमने शफल अच्छे से कर दिया है, मिला लिया है, सारे कार्ड स्प्रेड भी कर दिया है और अब हम कार्ड उठाने जा रहे हैं लिब्रास के लिए। ओ वाओ, क्या बात है लिब्रास, ये मंथ तो आपके लिए बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं से लक्ष्मी आएंगी, फाइनेंशियल प्रोस्पैरिटी नजर आ रही है, कहीं पे ऐसा दिख रहा है कि आप लेविश खर्चे कर सकते हैं, कुछ लग्जरीज पे खर्चे कर सकते हैं, अपनी सुंदरता को बढ़ा सकते हैं, अपना वार्डरोब चेंज कर सकते हैं और अपने पे थोड़ा गुरूर भी मुझे दिख रहा है। थोड़ा ऐसा लग रहा है कि बस मैं ही मैं, सेल्फ लव बहुत ज्यादा नजर आ रहा है विच इज गुड। तो यानी यहाँ पे फाइनेंशियल प्रोस्पैरिटी मुझे नजर आ रही है, कहीं पे रुका हुआ पैसा है वो भी आपको तुला राशि वालों को मिल सकता है। और देखें बहुत स्पीड में भी रहने वाले हैं आप इस मंथ, बहुत ज्यादा एनर्जी रहनी, फायरी एनर्जी रहने वाली है, यानी जो करेंगे बड़े जोश में करेंगे और जल्दी से करेंगे, ज्यादा सोचेंगे नहीं, यानी बहुत ज्यादा दिमाग सोच विचार में नहीं लगाते हुए मुझे नजर आ रहे। ऐसा लग रहा है कि बस फटाफट करना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, कर डालेंगे, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। और अगर देखें आपको ये भी मिला है, क्वीन ऑफ वैंस भी मिला है जो कि ये कह रहा है कि आप जो है अपनी साइकिक एबिलिटी यूज करके, अपनी स्मार्टनेस यूज करके, क्योंकि इस ये जो कमिंग मंथ है इसमें आपको अपना स्मार्टनेस दिखाने का, यानी कि लोग कहेंगे वाओ व्हाट अ स्मार्ट पर्सन, पर्सनालिटी में निखार कहेंगे लोग और ये जो है आपको जो है कमेंट आपको खूब मिलेगा और सच बता रही हूँ खूब मिलेगा और काफी आप चमकने वाले हैं, जो भी आप काम करेंगे उसमें आप काफी चमकेंगे। और यहाँ पे मिला है कि विश कार्ड मिला है, यानी कि जो भी आप चाहते हैं वो आपकी विश मैनिफेस्टेशन होने वाली है, आपकी इच्छाएं इस कमिंग मंथ में 30-31 डेज में आपको जरूर जरूर पूरी होती नजर आ रही है।
और यहाँ पे लिख रहा है कि थोड़ा हेल्थ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, कई चीजें हो सकता है कि आप मौसम का ध्यान ना करें, आप सिचुएशंस का ध्यान ना करें, आप टाइमिंग का ध्यान ना रखें और अपना कुछ भी खा पी लें या बाहर निकल जाएं या जल्दी जल्दी डिसीजन, क्योंकि मुझे एट ऑफ वैंड्स नजर आ रहा है, तो अपनी डिसीजन को, कोई भी डिसीजन को बहुत सोच समझ के लीजिएगा। कुछ ना कुछ आप रिस्क ले सकते हैं, आप रिलेशनशिप में रिस्क ले सकते हैं, आप वर्क में रिस्क ले सकते हैं, आप खाने पीने में रिस्क ले सकते हैं, आप दोस्तों में रिस्क ले सकते हैं। कोई भी काम करने से पहले आप चार बार जरूर सोचिएगा, नहीं तो आप किसी प्रॉब्लम में भी फंस सकते हैं। और क्योंकि लोग जो हैं, थ्री ऑफ पेंटिकल आया मींस यू आर अंडर ऑब्जर्वेशन, पीपल आर वॉचिंग यू। हेल्थ देखिए आपका, तो हेल्थ आपका अच्छा रहने वाला है, आपको व्हील ऑफ फॉर्चून मिला है। जहां तक रिलेशनशिप्स है, रिलेशनशिप मैंने आपको बता दिया कि लोगों की नजर आप पे रहेगी, लेकिन फिर भी है आप कहीं पे एस्केपिस्ट नजर आ रहे हैं, चीजों से बच के भागते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि ये जो कमिंग मंथ है, ये सिर्फ आप अपने बारे में सोचेंगे, लोगों के बारे में ज्यादा सोचते मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, और लोग जो है वो आपको पकड़ने आपकी तरफ बढ़ते रहेंगे। तो ठीक है, थोड़ा सा उनकी तरफ भी ध्यान दीजिए, वो भी खुश हो जाएंगे। तो ये था हमारा लियोस के लिए, तुला राशि वालों के लिए कमिंग मंथ की एनर्जीज। और जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा, लाइक शेयर कर सके तो जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि मेरे सारे वीडियोस आपके पास समय पे पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। आपका एंजल कार्ड बताना मैं से रह गया, तो आपके लिए एंजल गाइडेंस आ रही है परसिस्टेंस, यानी कि जो भी आप कोशिशें करें उनको परसिस्टेंटली करते रहिए, यानी कि उसको छोड़ेंगे नहीं, आप करते रहेंगे। और जो पॉजिटिविटी, जो भी आपकी अंदर जो एक स्पीड है, फायर है, उसको बरकरार रखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ रिस्क नहीं लेंगे, बस इसका ध्यान रखना है। ठीक है, लिब्रा राशि वाले, चलिए अब नेक्स्ट राशि के लिए चलते हैं।